हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनी एंड वेलकम टू सोनी मेकओवर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारे आर्मपिट शेविंग से रिलेटेड होने वाली है। जैसा कि देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है इनके आर्मपिट में, और इनकी आर्मपिट की जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम वाली है। यानी कि इसके पहले इन्होंने कभी भी अपने आर्मपिट की शेविंग या फिर वैक्सिंग या फिर किसी भी प्रकार की हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है अपने हेयर्स को रिमूव करने के लिए। तो हमने पहले सजेस्ट किया था कि आप वैक्सिंग कर लीजिए, लेकिन इनको वैक्सिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इन्होंने कहा कि पहले मेरी शेविंग कर दीजिए, उसके बाद में जब भी छोटे हेयर्स आएंगे तब मैं उसमें वैक्सिंग कराना स्टार्ट करूँगी। इतने बड़े बालों में मैं वैक्सिंग नहीं कराऊँगी। तो हमें क्लाइंट के हिसाब से चलना होता है। तो हमने इनको जो है शेविंग किया है। तो ना गाइस, जब भी हम इनकी शेविंग कर रहे थे तो इनकी जो डेड स्किन सेल्स थी ना इनके हेयर्स के नीचे की, वो निकल रही थी। यानी कि इतने ग्रोथ की वजह से इनकी स्किन जो थी वो पूरी ड्राई अंदर से हो चुकी थी। और मतलब जैसे कि कभी भी अपने स्किन में इनके मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया इन्होंने कभी, तो जैसे हेयर्स की वजह से मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाती थी तो यहाँ के स्किन को मॉइस्चर नहीं मिलता था, जिसकी वजह से पूरी ड्राई हो चुकी है स्किन। तो थोड़ा शेविंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि डेड स्किन सेल्स जो थी वो रेज़र में निकल रही थी इनकी स्किन। तो हमने सोचा कि इनको वाटर स्प्रे करके ही हम इनकी शेविंग करें, क्योंकि हमने ड्राई शेविंग किया था। तो हमने सोचा कि अब हम इन पे वाटर स्प्रे करके ही शेविंग करेंगे। मैं तो तीन प्रकार से ज़्यादातर मैं करती हूँ शेविंग। एक तो कंडीशनर लगा देती हूँ उसके बाद करती हूँ, या फिर मतलब कि जैसे कि ड्राई शेविंग करती हूँ, या फिर कोई जेल लगा के करती हूँ। तो आज हमने ड्राई किया था लेकिन इनके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, इस वजह से हमने अभी वाटर स्प्रे किया है। तो देख सकते हैं निकल चुका है सारा हेयर जो क्लीन हो चुका है, और अच्छे से हम इसको क्लीन कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे सेकेंड आर्मपिट की शेविंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम वही ग्रोथ है, और यहाँ पे हम पहले ही वाटर स्प्रे कर लेंगे ताकि जो स्किन है उनकी निकले ना। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो डालती रहती हूँ चैनल पे, और बाकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है तो प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ उससे रिलेटेड भी मुझे कमेंट ज़रूर करिए। सो गाइस, शेविंग हो चुकी है, अब हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और गाइस प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।